तो फैमिली इमोटिव कब शादी हो रही है, तो उसकी बात करते करते रोने लग गई। फिर क्या हुआ, एक ना एक दिन तो जाना ही है दूसरों के घर, इधर देख। तो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होने। आदि नई शुरुआत और आपके साथ। सो फैमिली में अभी आप अपनी बाइक की सर्विस करवाने, आप मानोगे नहीं, एक साल के बाद इस सर्विस का कुछ होता है जो रिन्यू करवाना पड़ता है। तो सुबह सुबह मेरे लग गए यार, मतलब जब भी आप KTM को बाइक सर्विस करवाने जाते हो ना, तो आपको भी पता होगा यार कितना ज्यादा लगता है। ये कड़ी मेरी जाने मन, मेरे से ज्यादा खर्चे तो इसके ही है यार। सुबह सुबह बहुत बड़ा झटका मिला, मेरे से ज्यादा पापा को झटका पड़ा है। पापा पहली बार आया मेरे पास, मतलब मेरे साथ। पापा कहते कि जो मेरी पुरानी बाइक है मैंने वो 6,000 में बेच दिया और तू यहाँ पे 6,000 में सर्विस करवा रहा है। भाई यार मैं सोच रहा हूँ यार, अब ना मैं मोटो ब्लॉगिंग करूँ यार अच्छे से, क्योंकि यार बाइक लिया है और मैं उसको ना अच्छे तरह से यूज नहीं कर पा रहा, और मैंने उतना कमाया भी नहीं जितने का मैंने बाइक लिया। मजाक कर रहा हूँ, कमाने के लिए सिर्फ नहीं, बट मैं मोटर ब्लॉगिंग करूंगा। स्पेशल मैंने बाइक मोटर ब्लॉगिंग के लिए ही लिया था, तो अब मैं मोटर ब्लॉगिंग करूंगा। अभी इतना GoPro गुम हो गया था, उसकी वजह से फिर मैं बना नहीं पा रहा था। काफी टाइम पर मेरा GoPro भी मिल गया और बाइक को भी आज तैड़ फट एकदम क्लीन श्लीन एकदम सर्विस हो जाएगा, तो उसके बाद पक्का बनाएंगे हम। अब मैंने जाना दूर दूर, कुछ ना कुछ करना ही है। और आपका क्या कहना है? कहते पापा कंपनी वाले बहुत कमाते हैं यार। यही कर देंगे, तेल मात्रे चेंज कर देंगे बस। क्या यार पापा, मोड़ ला के ना सही लग रहा है। आगे से ब्लैक होता ना तो ज्यादा बेटर था ये। चले पापा कह रहे इतना लग गया, तो थोड़ा स्प्रे एक बोतल में रख के दे दो। मतलब यार ये वाला बेइज्जती कर दिया, भैया भी हंसने लग गए। फीलिंग करने जा रहा हूं दिल का दरिया। तो फैमिली ये है घंटाघर, यहाँ पे 24 घंटे ऐसी भीड़ होती है और हर दिन सैटरडे और संडे तो और भी ज्यादा। तो अभी मैं जा रहा हूँ बैंक, बैंक में गेड़ी मारते मुझे 2 दिन हो गए, मेरे काम फंस गया। मेरा जो यूट्यूब की इनकम है मेरे लास्ट 2 मंथ से नहीं आ रही, अटका पड़ा पूरा। ज्यादा इनकम नहीं है, बस पेमेंट नहीं आ रहा यार काफी टाइम से। बैंक से दूसरे बैंक भेज रहे हैं, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक में भेज रहे हैं, अब तीसरे बैंक वाला फिर मेरे को पहले बैंक में भेज रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा क्या क्या। कोई बैंक गए थे, बैंक बंद है, लंच टाइम। अब 1 घंटा में बेफालतू यहीं पे बैठना पड़ेगा यार। तो आप मेरी बाइक देखो पूरी चमक गई है, मेरी जाने मन यार आज ही नहीं हुआ बैंक का काम, पता नहीं कब हुआ यार। हमारे बाबू कितना बड़ा हो गया, नूडल्स खा रहे, नूडल आ जल्दी आ या इधर हो रही है मेरे दादू जी से बात। दादू मुझे ना डांट रहे हैं, कहते तू आ जा। मैं कहा अभी 2 महीने हुआ है को, कहते कि तेरा ही घर है जमर जी। हाँ जी चाय। ले आओ ले आओ ले आओ ले भात खाना। अब आ गए हैं मेरी दादी माँ। हाजर हाँ रो यार मुटो ना रो मुटो ना रो मुटो मुटो। तो फैमिली मोटे कब शादी हो रही है, तो उसकी बात करते करते रोने लग गई। कितने जोर से मुक्का मारा भैंस। फिर क्या हुआ, एक ना एक दिन तो जाना ही है दूसरों के घर, इधर देख। मत कर यार। देखिए आंसू दिखाई भारी पाल, व्यू आ जाएंगे व्यू आ जाएंगे दिखा। मत कर यार। तो मोटो की शादी होने वाली थंबनेल के लिए 8 बजे से 9 बजे तो फैमिली अभी हम जा रहे हैं किसी के घर, उन घर के एक मेंबर जा रहे हैं कनाडा, मैं भी जा रहा हूँ। मम्मा मैं जाऊँ ना? आई एम गेटिंग कंफ्यूज हियर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं कनाडा जाऊँ कि ऑस्ट्रेलिया जाऊँ। मेन बात तो ये है कि पहले मेरा आईएलटीएस क्लियर हो जाए। एज यू ऑल नो माय इंग्लिश इज टू गुड। फैमिली जो भी सीजन चल रहा है ना, लोगों के बाहर जाने वाला सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है, ठंड का सीजन चल रहा है, और मेरा पैसे उड़ने का सीजन चल रहा है बहुत ज्यादा, और पैसे फंसने का भी। तो ये फेंक रहे थे क्योंकि इसने गलत लिख लिया, मैंने कहा मेकअप करा दो मैं बुक्कड़ हूँ, सुना है ना यही बुक्कड़ है। पैसे लेंगे इसको भी, ये तो फेंक रहे थे। क्या बोल रहे हैं? बोला हम मैं दिवाली में ऐसी मिठाई को नहीं बिकता है। सोन पापड़ी बहुत है हमारे लिए। हम पढ़ाई में मिडिल क्लास है, फैमिली में मिडिल क्लास है, गेम भी मिडिल क्लास वाली है, सब कुछ मिडिल मिडिल ही हो रहा है यार। मेरा YouTube भी मिडिल क्लास में चल रहा अभी। कितना केक खाना है आज? हम दूसरी जगह हैं, ये भी जा रही है बाहर। करो खिलाई दो यार। <laughs>
जो मर्जी हो, बस इस बैंक में कभी यार अपना खाता ना खुलवाओ। लुधियाना में तो मत ही खुलवाओ यार कभी। 2 मिनट लेट हुआ अपने घर से, इतनी दूर है, यहाँ से नियर अबाउट 8 किलोमीटर है। जब 2 मिनट लेट हुआ उन्होंने बंद ही कर दिया। सामने बैठा है मैनेजर इनका, जो 3 दिनों का लगातार गेड़ियां मार रहा हूँ, सामने बैठा बंदा, बट वो बात नहीं कर रहा, गुस्सा आ रहा है मेरे। खाता बंद कर रहा हूँ भाई यहाँ से। आज मैं जा रहा हूँ बुलेट लेने नहीं, मतलब देखने जा रहे हैं। पापा और कहीं गए हुए थे, वहाँ पे पहुंच गया। तो वैसे जो बुलेट है वो अपने नोन में ही है किसी का, तो वो चला नहीं देते, कहते कि तुम ले लो, चला लो कैसा है, तो बाकी देखते हैं। मेरे पापा को बुलेट का बहुत ज्यादा शौक है, वो देखते ठीक है कैसा होता है। और अभी मैं सोच रहा हूँ एक्टिवा ही लेके जाऊँ। बहुत कोशिश के बाद स्टार्ट हुआ है, एक साल से खड़ी हुई है ऐसे ही। तो पापा ने स्टार्ट किया, मेरे से तो वही था यार। पापा स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ फंस गए, बाइक बंद हो यार ऊपर से यार, हम रास्ता भूल गए। फाइनल पहुंच गए, मेरा दिमाग खराब हुआ है। हो गई है पंचर, पंचर लगवाने आओ। प्रिंस होटल के सामने है ये दुकान। अब जब मैं पहले स्टेडियम जाता था ना, तो जब भी साइकिल पंचर होती थी तो अंकल से करवाता था मैं पंचर। अंकल तो शायद मुझे भूल गए होंगे, लेकिन मैं अंकल को अच्छे से जानता हूं। यहां पर आया हूं 12 से 14 साल के बाद आया। फैमिली मोटो जा रही है चंडीगढ़ अकेले, वो भी अकेले। अच्छे से जाइए ठीक है, ग्लव्स लिए 40 के ग्लव्स, लड़के 30 के लिए। तो जाना मैंने भी था इसके साथ, बट यार घर पे ना मम्मा अकेले रहते, तो फिर अकेले तो छोड़ नहीं सकते मम्मा को, तो फिर मैं नहीं जा रहा। ये मोटो जा रही है, इसका प्रैक्टिकल है चंडीगढ़ कल। ऐसा था कि हम दोनों एक साथ जाना था बाइक में ब्लॉगिंग, इधर लगती है एक साथ जाना था बाइक में ब्लॉगिंग करते हुए, बट सिचुएशन ऐसी है कि नहीं जा पाए हम। होप सो कल मैं आ जाऊंगा उधर, लेकिन ये वापस आ जाएगी। यार आ जा, नोट चेंज कराने में लगे यार। ग्लव्स वाले भाई को तो फटा हुआ नोट देकर आ गई। एक तो इंसान बच जाता है ना जब सिर्फ गूगल पे यूज करता हूँ, कैश ना हो। तो मोटी नहीं दिए सारे, गूगल पे कहीं पे हो ही नहीं रहा था।